हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आपके दिल में जो भी है, जो भी इंसान के लिए आप देखना चाहते हैं, उनका नाम जो है आप ले लीजिए और तब ये दोनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज कर लीजिए और तब हम देखते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। 100% ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए पाइल नंबर 1 की बात करते हैं, पाइल नंबर 2 यहाँ पे साइड रखते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने चूज किया है पाइल नंबर 1, आप अपने पर्सन का नाम ले चुके हो। देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ओके, देखते हैं कार्ड्स। पूरा फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इनके दिल में चल रहा है आपके लिए कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बहुत ही अच्छे पर्सन। आप एक डॉक्टर हो सकते हो पेशे से। आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी हीलिंग पावर है आपके अंदर। आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, जो कि किसी को हील कर सकते हो। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि उसके जैसा कोई नहीं है अभी तक मेरी जिंदगी में, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखो यहाँ पे आया है कितना खूबसूरत सा कार्ड। एकदम से इनके दिल में चल रहा है कि आप इनकी एंजल हो, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। आप जो है इनकी एंजल हो, आप जो है इनका प्यार हो। आपसे ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में चल रहा है कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो बहुत ही बेसब्री के कारण, लेकिन ये पर्सन जो है यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, किसी कारणवश ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड है और क्रॉस रोड में से किसको चूज करें ये पर्सन को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में कन्फ्यूजन है। फिलहाल ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको अपनी एंजल मानते हैं। तो ये है इनके दिल में चल रहा। चलिए दूसरे डेक की बात करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा डेक। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। आई होप आप सबने नाम सोच लिया होगा अपने पर्सन का और उनके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। ओके, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, यहाँ पे ये कार्ड गिरा हुआ था नीचे, ठीक है। तो ये है टेम्परेंस, ठीक है, टेम्परेंस लेंगे हम इसको क्योंकि इस कार्ड को मैं नीचे रख रही हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए जो कि बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ उनके दिल में चल रहा है रियूनियन करने की, ठीक है। रियूनियन चाहते हैं ये पर्सन। रियूनियन जो है यहाँ पे इनके दिल में चल रहा है कि रियूनियन कब होगा हम दोनों का। यहाँ पे वही है डेथ का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड ये सब कप्स। इनके दिल में चल रहा है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेट हो या आप दोनों के बीच में जो भी मैटर है, ठीक है, उसको क्लोज करके, जो भी पीछे की बातें हैं उसको क्लोज करके ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट है, मेंटली कनेक्ट है, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। इमोशनल होने के साथ साथ ये पर्सन आपसे जो है बहुत ज्यादा, ठीक है, फीलिंग्स रखते हैं, यानी कि इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन के दिल में चल रहा है कि जल्द से जल्द जो है आने वाले एक वीक में आपको जो है यहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर या फिर सरप्राइज के तौर पर ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं। इनके दिल में ये चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो ये है आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।